हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कूलर मोटर वाइंडिंग डाटा विद एल्युमिनियम वायर। जी हाँ, 1 इंची कूलर मोटर की वाइंडिंग आज हम करेंगे एल्युमिनियम की तार से। कॉपर की वाइंडिंग के ऑलरेडी काफ़ी डाटा है, आज हम इसको एल्युमिनियम की तार से वाइंडिंग करेंगे। तो चलिए, ये देखिए आप, स्टेटर आपके सामने हैं। स्लॉट्स की बात करें तो इसके आप काउंट करेंगे तो 24 स्लॉट्स है। और बात करते हैं सबसे पहले स्टैम्पिंग की, जिसकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो ये देखिए, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच के आसपास है, mm में आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। सो इनर डाया की बात करते हैं, इनर डाया अप्रॉक्सीमेट 3 इंच के आसपास है और mm में आप देख सकते हो। और इसी तरह से आउटर डाया 5 इंच के आसपास है, mm में आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्लॉट की डूंगाई कितनी है, क्योंकि वो भी जानना सबसे ज़रूरी होता है। अगर बात करें हम पेपर साइज़ की, तो वो देखिए स्टैम्पिंग से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1 इंच 2 सूत के आसपास है, mm में आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी जानते हैं इस मोटर का वाइंडिंग डाटा। रनिंग में हम कॉइल पिच रखेंगे 1 से 4 और 1 से 6। 1 से 4 पिच में हमने कॉइल को 1 बार घुमाना है, 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाना है। स्टार्टिंग में कॉइल पिच भी सेम रहेगी। रनिंग में 1 से 4 पिच में हम 28 नंबर तार का इस्तेमाल करते हुए 130 टर्न डालेंगे। और इसी तरह से हम 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाएंगे, 260 टर्न हो जाएंगी। एल्युमिनियम की तार से तार नंबर रहेगा 28। स्टार्टिंग में पिच सेम रहेगी 1 से 4 और 1 से 6। स्टार्टिंग में हम 1 से 4 पिच में टर्न डालेंगे 135। तार का इस्तेमाल होगा 30 नंबर एल्युमिनियम वायर का, और 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाया जाएगा, जो बन जाएंगी 270। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पूरा डाटा देखने के लिए हमारी वेबसाइट motorcoilwindingdata.com और motorwinding.in पर जाना मत भूलिए। तो चलिए अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। और हाँ, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, वो भी बिना स्किप किए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दोस्तों, अभी हम करते हैं इसकी वाइंडिंग स्टार्ट। ये देखिए, हमने 4 कॉइल बना लिए हैं, जिसको हमने 28 नंबर तार का इस्तेमाल किया है, वो भी एल्युमिनियम वायर का। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ये जहाँ से, सो ये देखिए, हमने ये लेफ्ट वाला सिरा स्टार्ट किया, बीच में 2 स्लॉट हमने खाली छोड़े, 1 2 3 4, यानी कि पिच बन गई अपनी 1 से 4। सो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 1 से 4 पिच में कॉइल को 1 बार घुमाएंगे और 1 से 6 पिच में कॉइल को 2 बार घुमाएंगे। सेम हमने वैसे ही किया। तो अभी ये देखिए, डेट्स इट, अपना पहला कॉइल देखिए बन चुका है। अभी डालते हैं सेकंड कॉइल। जब मैंने इसी तरह से कॉइल को उठाया और बीच में देखिए, हमने 1 स्लॉट खाली छोड़ेंगे जहां डालेंगे, बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़े जहां डाला। अभी देखिए जी, अपना नेक्स्ट वाला सिरा नेक्स्ट से ऑटोमेटिक कनेक्शन हो गया, क्योंकि हमने 4 कॉइल एक साथ बना लिए। बीच में हमने 2 स्लॉट खाली छोड़ दिए। आप ये यू डाल सकते हो, बने बनाए मिलते हैं आजकल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्रैम्पल शीट भी डाल सकते हो, वाइट पेपर डाल सकते हो, लेकिन हरी शीट नहीं डालनी कूलर में कभी भी, क्योंकि कूलर में मॉइस्चर होता है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ। और जब मॉइस्चर होता है तब ये दिक्कत होती है, फिर लीकेज की समस्या नहीं जाएगी। बहुत ही आराम से आपने कॉइल डालने हैं, कोई भी जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड कॉइल डल चुका है, अभी डालते हैं थर्ड कॉइल। फिर से 1 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे, सेम 2 स्लॉट अभी खाली छोड़ेंगे, बैक टू बैक कनेक्शंस। तो अभी जानते हैं कि हम लच्छे को किस तरह से कॉइल को बड़े को घुमाएंगे। दोस्तों ये देखिए, हमने इस तरह से कॉइल को घुमाना है क्लॉकवाइज,
जी जहाँ घूम गया, अभी एक बार फिर मैंने इसको जहाँ से उठाया और पीछे देखिए, डेट्स इट, बहुत ही आसानी से अपना लच्छा घूम गया जी। हमने ऊपर यू लगाया और डल चुका है। अभी डालते हैं लास्ट, उसको बीच में हम एक स्लॉट खाली पीछे छोड़ेंगे, दो स्लॉट अभी खाली छोड़े हैं। इस तरह से आपके रनिंग के चारों कॉइल डल चुके हैं। तो आपने देखा कि हमने मात्र अप्रॉक्सीमेट हमने 3.5 मिनट में ही हमने रनिंग के कॉइल डाल दिए। सो दोस्तों अभी जानते हैं इसके कनेक्शंस के बारे में। ये राइट से रहा है, बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और पीछे वाले सिरे को पीछे वाले सिरे से ज्वाइंट करेंगे। ये आ गई अपनी रनिंग की दोनों वायर। तो चलिए अभी करते हैं दोबारा स्टार्ट। सो दोस्तों स्टार्टिंग के कॉइल डालने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला कॉइल हमने जहाँ से स्टार्ट किया, लास्ट हमने जहाँ पर एंड किया था। चार ही वायर निकालनी हमने, बाद कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला कॉइल डालेंगे हम ये चार पिच में और चार पिच में, छः वाले स्लॉट में हमने कोई भी कॉइल नहीं डालना। ये हमने स्टार्टिंग के भी चार कॉइल बना लिए हैं, जैसा कि पहले आपको डाटा पूरा बता चुके हैं कि 30 नंबर तार से हम इसको 30 नंबर तार का इस्तेमाल करते हुए 135 और 270 टर्न हम डालेंगे। जे बीच में हमने देखिए दो स्लॉट खाली छोड़े, ये लेफ्ट का सिरा है। क्वेल को हमने कुछ इस तरह से घुमाया, तो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसको सेट कर लेना जी। इसको हमने बफिंग किया हुआ है, कोई भी जो स्क्रैच कभी नहीं डालता। तो इसी तरह से स्टार्टिंग के सेम सारे टायर सारे कॉइल आपने डालने हैं। तो मैं जल्दी से सभी कॉइल्स को डाल लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं हम कनेक्शन के साथ। ये देखिए फिर हमने ये एक स्लॉट में ही हमने डालने हैं कॉइल जहाँ पर। जी हमने यू को लगाया, दूसरे भी यू को लगाया, बीच में हमने देखिए यही कॉइल को खाली छोड़ा। अभी डालते हैं थर्ड कॉइल। पत्ती से आपने नीचे जरूर करना है ताकि ऊपर वाले कॉइल आराम से डल सके। अगर आप पत्ती से नीचे नहीं करोगे इन कॉइल्स को तो जो बिल्कुल सही नहीं डलेंगे।
तो दोस्तों हम डाल रहे हैं अपनी एल्युमिनियम की कूलर मोटर वाइंडिंग की रनिंग वाइंडिंग का लास्ट कोयल जो कि हमने अप्रॉक्सीमेट कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। सो दोस्तों आपने देखा कि हमने इस एल्युमिनियम वाइंडिंग की जो हमने कूलर मोटर दी इसको अप्रॉक्सीमेट वाइंड कर लिया और हमने टाइम इसको लगाया अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट। हमने 8 मिनट में पूरी की पूरी मोटर की वाइंडिंग कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसके कनेक्शंस करेंगे, कनेक्शन करने के बाद इसको धागा मारेंगे। 8 मिनट में हमारे पूरे कॉइल डल चुके हैं। तो दोस्तों वाइंडिंग करने के बाद सबसे पहला काम होता है मोटर को सेपरेशन डालना, उतों तो होना दिखना कि लोग। सो सेपरेशन का मतलब होता है बाहर और अंदर के कॉइलों को अलग अलग करना। तो आप चाहे तो ये पीवीसी पेपर का डाल सकते हो, जहाँ जहाँ पर ग्रीन शीट भी डाल सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ब्लैक शीट डालते हैं लेकिन मैं उसको कभी रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ब्लैक शीट जो होती है वो इतनी पावरफुल कभी नहीं होती। जिसको लेदर्ड पेपर भी बोलते हैं उसको ब्लैक शीट बोलते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले इसके कनेक्शंस। आपने जो रनिंग की जो तार होती है या स्टार्टिंग की उसमें जो 0 नंबर स्लीप चढ़ा लेनी है। कुछ लोग इसको 0 नंबर बोलते हैं, कुछ लोग इसको 1 नंबर बोलते हैं। सो अभी बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। ये देखिए राइट वाला सिरा है, बैक वाले सिरे को बैक वाले सिरे से, आगे वाले सिरे को आगे वाले से, पीछे वाले को पीछे वाले सिरे से। रनिंग की 2 बार बार आ गई सेम स्टार्टिंग की, इसी तरह आगे वाला सिरा बैक टू बैक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बैक टू बैक, ये 2 स्टार्टिंग की बार आ गई। सो दोस्तों ये एक एल्युमिनियम की वायर है, सबसे पहले जानेंगे कि हम इसको किस तरह से सोल्डरिंग करेंगे। एल्युमिनियम के तार को सोल्डरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना ये मोटर कभी नहीं चलती। तो मैं हमेशा एल्युमिनियम के तार को सोल्डरिंग करने के लिए सिग्नेट एल्युमिनियम सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल ही करता हूँ। आप भी इसको अगर ख़रीदना चाहते हो electricalhomes.com पर जाकर इसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, इसको देखते हैं किस तरह से सोल्डरिंग किया जाता है। सबसे पहले हमें इसको जलाना होता है, चाहे आप जला लो चाहे आप इसको साफ़ कर लो। पर्पज़ ये एक ही है कि इंसुलेशन जो है ऊपर से सही तरीके से रिमूव होना चाहिए। मैं आपको लाइव इसमें सिग्नेट एल्युमिनियम पेस्ट से सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा। अभी ये जल गया, अभी हमने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अगर आपने इसको अच्छी तरह से इंसुलेशन रिमूव नहीं किया तो इसको सोल्डर नहीं लगेगा। ये एल्युमिनियम वायर है, ये देखिए इसका आप कलर देख सकते हो। चारों को हम साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। जी देखिए अभी हम 4 वायर लगाएंगे, 2 हमारे पास रेड है, 2 हमारे पास गोल्डन है। आप रेड ब्लैक भी लगा सकते हो। रेड को हम नीचे वाली साइड में लगाएंगे इस तरह से, गोल्डन को हम ऊपर लगाएंगे। जी हमारी स्टार्टिंग की तार होगी। That's it. तो अभी आपने इसको अच्छी तरह से डिप करना है ये सिग्नेट एल्युमिनियम पेस्ट से, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आती है। आप इसके अलावा बैरिंग पुलर, मोटर वाइंडिंग फर्मा, कॉयल वाइंडिंग मशीन्स, जितने भी मोटर वाइंडिंग टूल्स, मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड टूल्स हैं, सभी को आप हमारी वेबसाइट electricalhomes.com से बाय कर सकते हो। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी चारों हमारे डिप हो गए, अभी नेक्स्ट अपनी बारी है इसको जो सोल्डर लगाने की। आप जो सिग्मा का सोल्डर या सिग्नेट का सोल्डर भी electricalhomes.com से बाय कर सकते हो। तो ये देखिए, चेक कीजिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए,
ये देखिए कितना अच्छा फोकस डालिए, कितना अच्छा देखिए इसको सोल्डरिंग हो गई है। तो अभी बाकी वायर्स को भी सोल्डर करते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनसे सोल्डरिंग नहीं होती, लेकिन उसका रीज़न ये होता है जहाँ तो वो जो जो सोल्डरिंग वायर है इसको घटिया क्वालिटी का यूज़ करते हैं, और जहाँ फिर वो प्रॉपर इसको साफ नहीं करते। तो चलिए वो अलग 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 मैटर है, उस पर अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कौन सी सोल्डरिंग वायर यूज़ करते हो। जी हम 3 नंबर स्लीप चढ़ाएंगे अभी। लो जी जी होगी, और अभी हम इसको टाई कर देंगे। दैट्स इट। तो अभी मारते हैं इसको धागा। धागा मारने से पहले सबसे जो ज़रूरी काम होता है मोटर की टेस्टिंग करना। तो चलिए करते हैं जल्दी से इसकी टेस्टिंग। रेड वायर को हम रेड से टेस्ट करेंगे। रेड को रेड से करते हैं, ये देखिए, और इस तरह से। तो दोस्तों अपनी एल्युमिनियम की कूलर मोटर वाइंडिंग जो है बिल्कुल रेडी है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से इसकी वाइंडिंग कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड गिविंग अस ए वैल्यूएबल योर टाइम्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर एंड गुड बाय।